हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और प्रमुख महोत्सव पर कि कौन सा मेला कब लगता है और क्यों लगता है, इन पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, बस आपको आंसर करना है। आप अपने आप को चेक करिए कि आप आंसर बता सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि इस यूपी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग मेले कितने लगते हैं। तो आंसर है इसका 2250। एग्जैक्टली जो आंसर आना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग मेले लगने की संख्या जो है वो है 2250। अब क्वेश्चन है सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। तो सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में जिनकी संख्या है 86। इसके बाद लगते हैं कानपुर में जिनकी संख्या है 80। फिर लगते हैं हमीरपुर में जिनकी संख्या है 79। और इसी प्रकार से सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में लगभग 5-6। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती रहती है या घटती रहती है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। एक ऐसा महोत्सव या एक ऐसा मेला जो हमको मुगल काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, है ना, इन सब के बारे में बताता हो या इनकी उनका कल्चर दिखाता हो, है ना, उस महोत्सव को कहते हैं ताज महोत्सव। ये आगरा में होता है। आगरा में ही राम बारात निकलती है, राम जी की बारात निकलती है। आगरा में ही बटेश्वर मेला, कहाँ गया ये वाला है, बटेश्वर मेला एक पशु मेला है। ददरी मेला भी एक पशु मेला है। जो बटेश्वर मेला है ये आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा में ही कैलाश मेला लगता है। ओके, तो बटेश्वर मेला आगरा में है लगता है। ददरी मेला ये भी पशु मेला है। अच्छा, इस बटेश्वर मेला को हम लोग ऊँट मेला कहते हैं क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारे ऊँट लाए जाते थे और उनको बेचा जाता था। क्लियर, तो बटेश्वर मेला ऊँट मेला कहलाता है जो कि आगरा में लगता है। और ददरी मेला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अब आंसर आप लोग बताएंगे, बलिया। सबसे पूर्वी जिला बलिया उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर लगता है ददरी मेला। रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला, इस पर बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल महोत्सव, है ना। तो सुलह कुल महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहते हैं। रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला का नाम है काकोरा मेला जो कि लगता है बदायूं में। गंगा नदी सर्वाधिक दूरी यहीं पर तय करती है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला, ये कुंभ मेला लगता है 12 साल के बाद और अर्ध कुंभ मेला लगता है 6 वर्ष में। कुंभ मेला की एक स्टोरी है, चलिए सुनते हैं इसको, बड़े आसान स्टोरी है, है ना। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में। तो जैसा कि हम लोग जान गए हैं उत्तर प्रदेश में लगने वाले, है ना, लगभग मेलों की संख्या है 2250, सर्वाधिक 86 मथुरा में, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79। चलिए देखते हैं कि कुंभ मेले के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने समुद्र मंथन की स्टोरी सुनी होगी। समुद्र मंथन कुछ ऐसा हुआ था, जल्दी सुनिएगा, कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा, इंद्र सब 250 बार आया है ऋग्वेद में। तो अब क्या हुआ कि इंद्रदेव एक बार पृथ्वी घूमने आए तो महर्षि दुर्वासा ने जब उनको पहचान लिया तो वो जंगली फूलों की माला तोड़ कर लाए, बनाया उसको और उनको जाकर पहनाने लगे। तो इंद्रदेव जब पृथ्वी पर घूमने आए थे तो वो अपने हाथी पर बैठ कर आए थे, लेकिन ये हाथी अरावत हाथी नहीं है, अरावत हाथी तो अभी प्राप्त होगा। ओके, तो अब हाथी पर बैठ कर आए, ऐसे फटे कपड़े पहने थे, महावत बनकर आए थे और महावत हाथी चला रहे थे और पृथ्वी घूम रहे थे। तो महर्षि दुर्वासा ने उनको देख लिया और फूल की माला तोड़कर लाए और उनसे कहते हैं कि प्रभु पहन लीजिए। तो उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया और उन्होंने खुद नहीं पहना।
और वो आगे बढ़ने लगे। तो उनको लगा कि एक अच्छा ठीक है, ये वाला जो माला है वो गज या हाथी को पहना दिया है, तो अगला माला ये पहन लेंगे। तो वो दूसरा माला बना कर लाए और जैसे उनको पहनाने की बात कही, वैसे उनके मुंह से निकला कि मैं अब आपके हाथ से माला पहनूंगा, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर महर्षि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया कि आपको इतना घमंड है, आज सूर्य अस्त होते होते आप और आपके समकक्ष जितने देवता विराजमान होंगे उन सभी की शक्तियाँ चली जाएंगी। देवताओं के राजा इंद्र ने उनको हल्के में लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो पहुँचे अपने घर तो उनकी सारी शक्तियाँ सूर्य अस्त के बाद चली गईं और उनके साथ की जितने भी समकक्ष देवता थे उनकी भी सारी शक्तियाँ चली गईं। जब दोनों सबकी शक्तियाँ चली गईं तो ये सभी लोग पहुँचे विष्णु जी के पास और विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु आप ही अब कोई उपाय बताइए। तो प्रभु ने बताया विष्णु जी ने कि क्षीर सागर में अगर हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, यदि क्षीर सागर में हम लोग समुद्र मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा। जब उससे अमृत निकलेगा तो इसको अगर हम पी लेंगे, अगर सभी देवता पी लेंगे उसको, तो उनकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। कहा ठीक है, लेकिन ये समुद्र मंथन अकेले आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका शक्तियाँ रहने गई हैं। तो आप जाइए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने सारी शक्तियाँ दैत्य राक्षस बलि को दे दी थी। तो अब कहा गया आप जाइए पहले असुरों को मित्र बनाइए, मित्र और देवता, ये असुर और देवता दोनों मिलकर इसका मंथन करेंगे। तो कहा गया अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो उनको भी अमृत चाहिए होगा, जब उनको भी अमृत चाहिए होगा तो हमको कैसे मिलेगा। तो विष्णु जी ने कहा आप जाइए बुला कर लाइए, बस उनको अमृत नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कहा गया ठीक है, अब गए नारद मुनि ने बताया, नारद मुनि ने जाकर बताया कि आपको पता है क्षीर सागर में अगर हम लोग समुद्र मंथन करेंगे तो हम लोग को एक अमृत प्राप्त होगा और आप देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। जो दैत्यों का जो राक्षसों का गुरु था बलि, उसने कहा रे बाप रे, ये तो बिल्कुल सही बताया आपने, चलिए एक बार महादेव से पूछ लेते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं, कन्फर्म हो जाते हैं एक बार। सारे राक्षस जाते हैं, राक्षस जाकर मिलते हैं महादेव से और महादेव से कहते हैं प्रभु ये बताइए कि क्षीर सागर को मथने पर क्या अमृत प्राप्त होगा। कहाँ बिल्कुल प्राप्त होगा। बलि और उसकी सेना आ जाती है। अब प्रभु कहते हैं विष्णु जी, प्रभु कहते हैं कि ठीक है मैं कच्छप बन जाता हूँ, मतलब कछुआ बन जाता हूँ और या कुर्म बन जाता हूँ, तो मैं कच्छप बनकर समुद्र के नीचे चला जाता हूँ और मेरे ऊपर मंदार पर्वत रखिएगा और वसुकी को, जो नाग देवता हैं, वसुकी को आप क्या बनाएंगे, रस्सी के रूप में बनाएंगे और इसका जो मुंह है वो राक्षसों को देंगे और इसकी जो पूँछ है वो देवता पकड़ेंगे, वासुकी का, नाग देवता वासुकी का। कहा ठीक है, तो पहले देवताओं ने सांप का जो मुंह था वो खुद पकड़ा, तो राक्षसों ने सोचा कि लगता है कुछ गड़बड़ है तभी ये मुंह पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं, देवताओं से कह दिया कि तुम आप पूछ पकड़ लो और हम मुंह पकड़ लेंगे। तो राक्षसों ने क्या किया, वसुकी का मुंह पकड़ लिया और जैसे ही एक दो बार मंदार पर्वत घुमाया गया, समुद्र मंथन हुआ, वैसे ही वसुकी ने सारा जहर उलट दिया और जहर जाके गिरा राक्षसों पर, उनकी भी शक्तियाँ चली गईं। अब दोनों समान मनुष्य हो गए। अब जब दोनों समान मनुष्य हो गए तब धीमे जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसे तीन चीज़ें निकलनी थी। जो तीन चीज़ें निकलेंगी वो बारी बारी से सबको जाएंगी। सबसे पहले जाएगी विष्णु जी के पास, फिर जाएगी देवताओं के पास, फिर जाएगी राक्षसों के पास। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान टोटल 14 रत्न प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 14 रत्न प्राप्त हुए। जैसे सबसे पहले निकला कालकूट नाम का जहर, जब कालकूट नाम का जहर निकला तो सबके कंठ सूख गए, सबके गले सूख गए, सब मरने लगे, सब चिल्लाने लगे महादेव बचाओ, हे भोले शंकर बचाओ। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने वो जो विष था उसको पीना शुरू कर दिया। पार्वती जी देख रही हैं कि कितना भोला पति मिला है हमको कि सारा विष पिए जा रहा है। वो काल कुछ विष जब वो पी रहे थे तो उन पीते समय उनका कुछ जहर इस पृथ्वी पर गिरा और उसको ग्रहण किया किसने, सांप बिच्छू ने, और वो सब जहरीले हो गए ऐसा माना जाता है। अब उन्होंने जहर पिया और उनके उसके बाद जब पार्वती जी ने देखा कि वो सारा का सारा जहर गले से नीचे उतर रहा है तो पार्वती जी ने ऐसे करके हाथ लगा दिया और वो सारा जहर गले तक ही रुक गया और उनको नया नाम मिला नीलकंठेश्वर। क्या नाम मिला उनको, नीलकंठेश्वर।
आगे बढ़ते हैं। तो अब 14 रत्न की जो प्राप्ति हुई है उसी में अरावत हाथी निकलेगा, उसी में कामधेनु गाय निकलेगी, उसी में लक्ष्मी माता निकलेंगी, उसी में रंभा निकलेंगी, एक अप्सरा जो होगी रंभा है ना वो निकलेगी, वारुणी नाम की मदरा निकलेगी, कहते हैं ये वरुण देवता की पत्नी हो जाएंगी, तो पारिजात नाम का वृक्ष निकलेगा, शंख निकलेगा जो विष्णु जी को मिल जाएगा, कौशुभकी मिलेगी जो एक मणि होगी जो विष्णु जी के मुकुट में लग जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल 14 रत्न प्राप्त होंगे है ना। अब इसी कामधेनु गाय को इंद्र जी किसको दे देंगे, जमदग्नि को। अब ये जमदग्नि कौन है, जमदग्नि परशुराम के पिता हैं, क्लियर। अब जमदग्नि परशुराम के पिता हैं तो वहां पर सहस्त्रार्जुन आ जाएगा, और सहस्त्रार्जुन क्या करेगा जाकर, सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के यहाँ रुकेगा, और जमदग्नि क्या करेंगे उस सहस्त्रार्जुन की जिसकी 1000 भुजा हैं उसको वो खाना खिलाएंगे कामधेनु गाय की सहायता से। फिर उसको सहस्त्रार्जुन को लगेगा कि अगर ये कामधेनु गाय मेरी हो जाती, जब वो जमदग्नि से कामधेनु गाय छीनेगा, जब वो छीन के भाग रहा होगा तो कामधेनु गाय स्वर्ग से धार जाएंगी और जमदग्नि को गुस्सा आ जाएगा। जब परशुराम आएंगे, परशुराम को ये बात पता चलेगी, परशुराम सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाओं को काट देंगे और फिर तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। फिर जो सहस्त्रार्जुन के चेले चपाटे होंगे, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, वो जमदग्नि को मार देंगे। जब वो जमदग्नि को मार देंगे उनका गला काट देंगे, और परशुराम जब फिर से वापस आएंगे तो देखेंगे अपने पिता के शरीर पर टोटल 21 घाव थे। अब जो 21 चोटें लगी हैं, अब यही चोटें दर्दनाक हो गई परशुराम के लिए, और परशुराम ने कसम खाई कि अब वो है वंश के सभी क्षत्रियों को मारेंगे, और है वंश के क्षत्रियों को नहीं समूल क्षत्रियों को विनाश करेंगे जो इनके इर्द गिर्द रहेंगे। उन्होंने कुल 21 बार क्षत्रियों को मारा, 21 बार क्षत्रियों को मारा अपने फारसे से, अपने परशु से। इसलिए ऐसे ही एक और व्यक्ति था हमारे इतिहास में, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। इसलिए महापदम नंद को हम लोग डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिया एंड सेकंड परशुराम, दूसरा परशुराम और सर्व क्षत्रांत तक कहते हैं, किसे, महापदम नंद को, ध्यान रखिएगा ठीक है। अब जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान अब लास्ट में धन्वंतरी देवता जब अमृत का कलश लेकर ऊपर आए, जब धन्वंतरी देवता अमृत का कलश लेकर ऊपर आए तो विष्णु जी ने अपने वाहन गरुण से कह दिया था कि जैसे ही ऊपर अमृत का कलश आया तो तुम गरुण पक्षी बनकर तुरंत ही लेकर भाग जाना, क्योंकि जब हम समुद्र से ऊपर आएंगे तो हमें समय लगेगा। तो गरुण देवता उस अमृत के कलश को उठाते हैं और लेकर भाग जाते हैं। तो सभी देवता पीछे पीछे, सभी राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। विष्णु जी ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। विष्णु जी एक सुंदर सी कन्या का रूप बनाते हैं और सीधे जाकर राक्षसों के सामने प्रकट हो जाते हैं, सारे राक्षस फ्लैट। अब सारे राक्षस उस सुंदरी को देख रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ से लाइन बनाकर देवताओं ने ऐसे अमृत पीना शुरू कर दिया। इतने में एक राहु नाम का राक्षस था, उस राहु नाम के राक्षस ने देखा कि अरे ये तो सब छलावा है। राहु नाम का राक्षस जो था वो देवताओं का रूप लेकर लग गया देवताओं की लाइन में, और जैसे उसने अमृत का कलश पकड़ा उसका असली रूप उसमें दिखाई पड़ गया अमृत के कलश पर, तो सूर्य और चंद्रमा ने चिल्लाया प्रभु ये तो राक्षस है। इतने में वो जो सुंदरी थी उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र से कटा हुआ अंग वापस जुड़ नहीं सकता, वो सुदर्शन चक्र की स्पीड उसके पीने की स्पीड से कम रह गई। उसने तुरंत ही वो पी लिया, एक बूंद अंदर चली गई और सुदर्शन चक्र आया, उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो तो अमर हो गया। उसका धड़ भी जीवित है, उसका सर भी जीवित है, और सूर्य और चंद्रमा ने ये बात बताई थी, तो धड़ और सर दोनों जीवित रहकर उन्हीं के दिल घूम में लगा। सूर्य और चंद्रमा को परेशान करता है आज भी, एक को राहु और एक को केतु के नाम से जानते हैं। इसी भागा दौड़ी में जो अमृत की कुछ बूंदें गिरी, अमृत की कुछ बूंदें जो गिरी, चार जगह गिरी है ना, नासिक, अलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, चार जगह गिरी, और वहीं पर हम लोग हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला आयोजन करते हैं। ये थी कुंभ की स्टोरी, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग कुछ और भी मेलों की बात करते हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, जरा देख लेते हैं भाई कि कौन सा मेला और कहाँ कहाँ लगता है। जरा कुछ महोत्सव की बात करते हैं हम लोग, बड़े बड़े महोत्सव की, ये पेपर में काफ़ी आते हैं, जैसे लक्ष्मण मेला और लखनऊ महोत्सव, ठीक है। अगला है त्रिवेणी महोत्सव, अगला है पर्यटन महोत्सव,
पर्यटन महोत्सव, ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव हो गया, पर्यटन महोत्सव हो गया। अगला क्वेश्चन है कालिंजर का मेला, ये तो सबको पता है। देवी पाटन मेला। अगला है सराधना या सराधना महोत्सव। अगला है नौचंडी मेला। क्लियर। अगला है सोरो मेला। ठीक है, बताइए जरा सा लक्ष्मण मेला और लखनऊ महोत्सव, ये दोनों लखनऊ में हो जाएगा आंसर इसका। अगला त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में, पर्यटन महोत्सव दो जगह मनाया जाएगा, एक मनाया जाएगा आगरा में और एक मनाया जाएगा वाराणसी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला कालिंजर मेला आप जानते हैं जहाँ पर बांदा। देवी पाटन मेला बलरामपुर। सराधना महोत्सव और नौचंडी मेला दोनों का एक ही आंसर है, मेरठ कैची नगरी या क्रांति नगरी। सोरो मेला कासगंज, अभी एक कांड हो गया था यहाँ पर कासगंज। ओके, तो ये मेला याद रखिएगा। अभी हम लोग के पास बहुत सारे मेले हैं, इसको याद कर लीजिएगा जरा सा कि लक्ष्मण मेला लखनऊ मेला लखनऊ महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद, पर्यटन महोत्सव दो जगह होता है आगरा में और वाराणसी में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन बलरामपुर, सराधना महोत्सव नौचंडी मेला मेरठ, सोरो मेला कासगंज। ओके, नेक्स्ट मेलों की बात करते हैं हम लोग। अगले जो मेले हैं वो मथुरा वाले होंगे, है ना, झूला मेला, देव छठ मेला। देखते हैं जरा सा मथुरा वाले मेले की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे है झूला मेला है ना, देव छठ मेला। अगला है कंस मेला, ये तो पता ही होगा कंस मामा। क्लियर। अगला मुड़िया मेला। अगला होलिका उत्सव। ओके, इन सब का एक ही आंसर है मथुरा, अगला देखते हैं सैयद सालार मेला बहराइच। आपको हम जैसे लिखते हैं सैयद सालार मेला तो आपको आंसर पहले से ही आना चाहिए, और पहले से आंसर आपका नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पॉइंट वीक है। ओके, हम आपको अब सब मेलों की कहानी तो सुना नहीं सकते, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट आएंगी उसको हम लोग जरूर देखेंगे। ओके, अगला है खिचड़ी मेला मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति में लगता है, तो आंसर है इसका गोरखपुर। कहो तो गोरखपुर से हम सारे क्वेश्चन बता सकते हैं, गोरखपुर से मेले से हम लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना। गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, और सेकंड नंबर पर है इलाहाबाद। ओके, अब गोरखपुर में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं। अगर हम बात कहें कि विश्व में सर्वाधिक सुअर कौन बेचता है, निर्यात करता है, तो आंसर है अमेरिका। ले सबसे ज़्यादा सुअर कौन पालता है, तो आंसर है चाइना सबसे ज़्यादा पालता है और बेचता है अमेरिका। भारत में सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर में जब सुअर पाए जाते हैं तो सुअर से दो रोग फैलते हैं, एक है जापानी एंसेफेलाइटिस और दूसरा है स्वाइन फ्लू। के वायरस का नाम है H1N1। क्या नाम है? H1N1। इंटरनेशनल मीट मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मांस मंडी में सुअर के मांस का योगदान 11% है। सुअर का मांस टेस्टी होता है इसलिए लोग उसको खा जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। सुअर को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उसको मार के खाया जा सके। ओके, सुअर की प्रजाति अगर बात करें, तो जहाँ पर भी सायर शब्द मिल जाए आप समझ जाइएगा वो प्रजाति सुअर की होगी। जैसे आंसर देखते हैं हैम्पशायर, यॉर्कशायर, बर्कशायर,
ओके तो जितने भी शायर मिल रहे हैं वो सब किसकी प्रजातियां हैं, सुअर की प्रजातियां हैं। तो सुअर से जितने क्वेश्चन आज तक बनते थे, हमारे यहाँ सुअर का विष्णु जी ने एक अवतार लिया था जिसको हम लोग वराहा अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? वराहा अवतार कहते हैं। ये दिखाता है कि हम लोग, हमारे जो धर्म है, हमारे जो जाति है ना, हमारा जो संप्रदाय है, वो ऊंच नीच नहीं करता। हमारे देवताओं ने, हमारे विष्णु जी ने जो इनकार्नेशन लेते हैं, अवतार लेते हैं, उन्होंने पशुओं में भी अवतार लिया और मनुष्यों में भी अवतार लिया। ये दिखाता है कि हमारा धर्म कितना महान है। चलिए अगला, तो खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। अच्छा अगला, इनको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रृंगी रामपुरम, अगला है श्रृंगी रामपुर, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला और रामनगरिया मेला। राम नगरिया मेला, ये तीनों मेले लगते हैं फरुखाबाद में। ये तीनों मेलों का आंसर है क्या भैया? फरुखाबाद। अगला क्वेश्चन है श्रृंगी रामपुरा, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला, इन सब का आंसर है फरुखाबाद। अच्छा आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए? आयुर्वेद महोत्सव, अच्छा एक है कजरी महोत्सव और एक है कजली महोत्सव। रा और ला का अंतर है, काम हो जाएगा। ओके आयुर्वेद महोत्सव लक्ष्मीबाई झांसी, आयुर्वेद महोत्सव, कजली महोत्सव मिर्जापुर और कजली महोत्सव महोबा, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है महोबा। अगला है ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव हो गया, कजली महोत्सव हो गया, कजली महोत्सव हो गया, रा और ला का अंतर है, खेल यहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला देखा जाए तो गोविंद साहब मेला है ना, गणगौर मेला, कैलाश मेला, अभी हमने बताया था आपको गणगौर मेला, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, राम बारात, इन सब का एक ही आंसर है आगरा। क्या आंसर है? आगरा। ठीक है ध्रुपद मेला, नकक टैया मेला, नकक टैया मेला और अगला है रथ यात्रा, ये तीनों एक जगह है। इन सब का आंसर है वाराणसी, इन सब का आंसर है वाराणसी। अच्छा परिक्रमा मेला कहाँ होगी राम जी की? परिक्रमा मेला आपको पता होगा अयोध्या, इसका पुराना नाम है अयज्वासा। क्या नाम है? अयज्वासा है ना, क्या नाम है? अयज्वासा, अयोध्या का ही पुराना नाम है। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। अगला देखते हैं है ना, अगले दो तीन मेले और भी हैं, जरा इसको देख लेते हैं जरा सा जल्दी जल्दी। अगला मेला हम लोग देखते हैं, जरा सा बताइएगा कि लिखा है लठमार होली, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? दुनिया का दिमाग दौड़ रहा आप लोग का, कोई कहेगा मथुरा, कोई कहेगा आगरा है ना, लेकिन एग्जैक्टली आंसर बताइए भाई है ना, एग्जैक्टली आंसर इसका क्या होगा? अगला है शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला। ठीक है अगला है गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला। अगला है हरिदास जयंती, हरिदास जयंती। ठीक है तो इतना आप बताइए, इतना आप आंसर बताएंगे, लठमार होली, शाकंभरी देवी मेला, गोविंद साहब मेला, हरिदास जयंती, ये चार आप और बता दीजिए बस। अगर मेले से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, क्लियर? अगला अच्छा एक और देख लेते हैं, ढाई घाट, ढाई घाट मेला, जब इतना पढ़ा दिया तो इतना और सही। ठीक है अच्छा हमने आपको बताया ना हापुड़ शामली संभल, हापुड़ का भी एक मेला लिख लेते हैं गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला। ओके बस ये लास्ट है। ठीक है तो यहाँ बताइए लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो आंसर मथुरा या आगरा नहीं होगा, आंसर है बरसाना। गाना है ना मैं बरसाने की छोरी, शाकंभरी देवी मेला, गोविंद साहब मेला, हरिदास जयंती, ढाई घाट, कुछ बताइए। हमने आपको ये तो बताई दी था गढ़मुक्तेश्वर मेला, हापुड़ मैंने अभी बोला था हापुड़, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन। हरिदास जानते हैं ना, हरिदास को तानसेन के गुरु हरिदास, अकबर को हरिदास का संगीत सुनने के लिए स्वयं इनके घर जाना पड़ता था,
ये है हरदास, है ना। हरदास ने ध्रुपद शैली का आविष्कार किया था और बहुत सारे रागे अपने शिष्यों को सिखाई दिए। जैसे कि अगर हम तानसेन की बात करें तो तानसेन से क्वेश्चन क्या पढ़ सकते हैं, इनकी तानसेन को अकबर का अकबर कंठा भरणवाणी विलास कहता था। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, है ना, और ये सब हुआ करती थी। गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब से आप जान ही रहे हैं, गोविंद साहब का आंसर क्या होगा, इसको बाबा साहब मान सकते हैं। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और आज का लास्ट है शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है बताइए, कागज प्रसिद्ध है वहाँ के, कागज सहारनपुर। ओके, तो ये हो गए सारे मेले। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, ठीक है, चलिए साल में एक बार आता है, बड़ा मज़ा आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतने सारे हम लोगों ने मेले और महोत्सव पढ़े, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के पेपर में अगर कोई मेला या महोत्सव आता है तो इसी में से आएगा, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि सारे मैंने तो बता ही दिए। अब एक आध जो चुट पुटुट छूट गए हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अगर अगर कोई लिखा है बताइए कि लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाते हैं, आगरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं, झांसी महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो सबका आंसर आगरा झांसी लखनऊ होगा। जो उल्टे हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, है ना, फोक डांस जो है उनके हैं, जो लोकगीत हैं, हम सारे लोकगीत लिख देंगे और उसका आंसर आप लोग बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे।